मऊ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र बहादुर के निर्देशन व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में संपूर्ण जनपद में चला सघन वाहन चेकिंग अभियान। और इसी चेकिंग अभियान के नजारे मऊ के आजमगढ़ तिराहे पर देखे जा सकते हैं, जहां उप निरीक्षक कोतवाली अजीत कुमार यादव दलबल के साथ गहन चेकिंग में अपने दलबल के साथ जुटे दिखे। यहाँ ये बात विशेष ध्यान की है कि इस चेकिंग अभियान में गाड़ियों सहित गाड़ियों के पेपर, इंश्योरेंस, लाइसेंस, हेलमेट आदि की जांच की गई और कमियां मिलने पर कार्रवाई भी की गई। पीएलएल न्यूज के लिए मऊ से सरफराज अहमद की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर किया जा रहा वाहन चेकिंग, क्योंकि चुनाव को देखते हुए संवेदनशीलता समय बढ़ गई है, तो चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश हुआ है कि हम लोग जगह जगह चौराहों पर और संवेदनशील जगहों पर वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करें, और उसी को लेकर के ये चेकिंग लगातार की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी चुनाव तक। कुछ गाड़ियों के चालान हुए है क्या? हाँ, कई दोपहिया वाहन जो स्पेशली जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, अभी कल एक एक्सीडेंट हो गया बलिया मोड़ पे, और एक व्यक्ति ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है हेलमेट लगाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और मैं चाहता हूँ कि लोग जो वाहन चला रहे हैं वो सीट बेल्ट जरूर बांधे फोर व्हीलर, और दोपहिया वाहन हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएँ।